दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 10वां मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच 29 मार्च को खेला जाएगा। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में हम आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। आईपीएल 2024 के 10वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। आरसीबी का ये मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर लगातार दूसरा और इस लीग का तीसरा मैच होगा, जबकि केकेआर अपना दूसरा मैच खेलेगी। आरसीबी ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में शानदार वापसी की। वहीं केकेआर अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराकर मौजूदा लीग में शानदार शुरुआत की। आरसीबी और केकेआर के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो अकेले पूरे मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको भी इस मैच की टीम बनाना है तो आप अपनी टीम में ऑलराउंडर को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को शानदार फायदे मिलते हैं, इसलिए वह आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। लेकिन गेंदबाजों में आपको तेज गेंदबाजों को ही ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि यहां पर दोनों पारियों में ही तेज गेंदबाजों का दबदबा स्पिनर के मुकाबले बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन वैसे हो सके तो आप अपनी टीम में एक क्वालिटी स्पिनर गेंदबाज को भी ले सकते हैं। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप ड्रीम 11 क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।